हेलो गाइस, मैं हूं अखिलेश। आप देख रहे हैं NFTB रिव्यू। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। आज का अपडेट है हमारा ब्रेकिंग टाइम के एपिसोड में। आज बात करने वाले हम असुर सीजन 2 के बारे में। अपडेट काफ़ी मस्त और कंफर्म अपडेट निकल के आया है और साथ में द व्हील ऑफ टाइम सीजन 2 के भी अपडेट आया है। तो एकदम पूरा एंड तक भी इस वीडियो को देखिएगा और लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए, सपोर्ट कर दीजिए सब्सक्राइब करके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और जैसे कि असुर सीजन 2 के बारे में काफ़ी पास्ट में कंट्रोवर्सी चल रही थी, इस वजह से आपको देखने को नहीं मिला था। अब रिलीज हुआ, प्रोडक्शन में कभी कमी है तो ये है वो है फलाना डिकामा, इस वजह से अभी देखने को नहीं मिला था। तो अब आपको फाइनली देखने को मिलेगा। असुर सीजन 2 का एकदम ऑफिशियल रिलीज डेट निकल के आ गया है। असुर सीजन 2 के एपिसोड टोटल देखने को 8 मिलने वाले हैं और एपिसोड का लेंथ मान के चलिए, अभी तो फाइनल नहीं हो पाया कि एपिसोड लेंथ कितना देखने को मिलेगा, तो अभी मान के चलिए सीजन 1 में जैसे आपको एपिसोड लेंथ देखने को मिला था उसी तरह का आपका एपिसोड लेंथ देखने को इधर भी मिलेगा शायद। अब इसके रिलीज डेट की बात करें तो 1 जून को आपको 1 जून को देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं द व्हील ऑफ टाइम सीजन 2 के रिलीज के डेट के बारे में और एपिसोड कितना देखने को मिलेगा और लेंथ कितना है। तो आपको एपिसोड की बात करें तो आपको टोटल 8 एपिसोड देखने को मिलेगा द व्हील ऑफ टाइम सीजन 2 में। और इसका एपिसोड लेंथ की बात करें तो 54 to 60 मिनट देखने को मिलेगा एपिसोड लेंथ। और रिलीज डेट की बात करें तो रिलीज डेट आपको 1 सितंबर तक आपको देखने को मिल जाएगा। तो थैंक यू वॉचिंग दिस माई वीडियो। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, सपोर्ट फॉर मी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।